बड़ो बहु। थारी तो जोरदार टेनिस से बड़ो अच्छा लगा थारे संग कुश्ती लड़के। तू जानती सी ना कि तेरा फाइनल मैच लवीना जी के साथ से। और आप यो सोच रहे हो कि अगर कल मैं हार गई तो क्या होगा? अरे लवीना जो इसकी हालत करेगी, इसकी इतनी हड्डियां तोड़ेगी बेचारी चल भी नहीं पाएगी। तो अपनी बीवी को समझा, इसे लेकर यहाँ से निकल। हम तीनों चाहते हैं कि यू वाला मैच ना। आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है बड़ो। अरे यो आप मैंने कहा लाए हो? अरे चलना बड़ो। लकी जी, अरे लकी जी। कोमल सिंह अलावा जी से निवेदन है कि वो मैच के लिए बाहर आए। क्या हुआ लाखा जी, बड़ो कहाँ रह गई? लगता है डर के मारे हालत पतली हुई बेचारी की। सोचा यहाँ से भाग लेना ही ठीक है। इनकी आदर्शवादी बातें सब दिखावा। जब असली लोगों से इनका पाला पड़ता है ना तो ऐसे ही भाग जाते हैं लोग। कुछ ज्यादा देर मेरे चंगुल से बच नहीं पाएगी। महिला कुश्ती प्रतियोगिता के इस साल की विजेता से कोमल सिंह अलावा। आज तो वाकई में ऐसा लग रहा है कि दिवाली वाला दिन है। दिवाली तो है माँ जी, बस फर्क सिर्फ इतना है कि दिवाली से 20 रोज पहले रावण जला था पर यहाँ आज जलेगा। असली गुनहगार को सजा तो मिलनी ही चाहिए। जी जैसे इन्होंने रघुवीर जी को गांव से निकाल दिया था, इन्हें भी गांव से निकाल देना चाहिए। एक बार बोल देते ना, मैं ना सारी दुनिया लाके आपके कदमों में रख देता। ये बात करने लायक नहीं है तीनों के तीनों। ये सारे कर्म कांड भी कर लिए, सजा भी नहीं मिली। ये उत्तम बता दो मैं क्या करूँ? कान पकड़ के कहो ये ऐसी गलती कभी ना करूंगी। आप घर तो वापस आ गए हैं पर अभी भी एक बहुत जरूरी काम ना अधूरा। हमने सब कुछ तो मिल गया सर, हमें किसी भी कीमत पे हमारा अखाड़ा फिर हासिल करना पड़ेगा। तो इसका ये रूप देख के तो पक्का यकीन हो गया हमारे को, अब तो अपना अखाड़ा वापस लेना ही पड़ेगा। और के बाबूजी, अब हम उन दुकानों को तोड़ के रख देंगे। वाह वाह वाह, ये भी खूब रही। सारे कर्म कांड भी कर लिए और सजा भी नहीं मिली, है ना? देखो बाण, मैंने तुम सभी ते हाथ जोड़ जोड़ के माफी मांग ली, फिर भी तारा मन ना भरा। इब तुम बता दो मैं क्या करूं? मैंने तो चाहूं कि इनसे कुछ ऐसा करवाना कि ये जिंदगी भर याद रखें। मारा मन कर रहा है कि इनसे उठक बैठक करवाओ। वो भी सौ। हाँ क्यों बहनों? क्यों पायल जी, सही है ना? हाँ ताई, बढ़िया है। हाँ हाँ तो शुरू करो। अरे कमला बहन ने तो शुरू भी कर दिया। एक दो, अरे पिंकी शुरू करो भाई। तीन, चार, साठ। अरे अभी तो 60 ही हुआ है पायल, ये तो अभी से थक गए। अभी तो 40 और करना है। चलो फिर से शुरू हो जाओ। नन्यानबे सौ। इन दोनों के चेहरे देख के लग रहा है कि इनको कुछ बोलना है। जी बाबूजी, आप घर तो वापस आ गए हैं, फिर भी एक बहुत जरूरी काम ना बाकी से। मारे को पता से छोरे, थारा इशारा किस तरफ से है? बाबूजी, हमने सब कुछ तो मिल गया से, लेकिन हमें किसी भी कीमत पे हमारा अखाड़ा फिर हासिल करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा बड़ों ने बाबूजी, उन्होंने ये अखाड़ा धोखेबाजी से लिया से, और हमें अब कुछ भी करके ना वो अखाड़ा वापस लेना से उनसे। बिल्कुल सही कह रहा है लाखा। आप पूछ रहे थे ना कि यो दूसरा धागा किसके लिए है? यो धागा मैं अपने अखाड़े के लिए लाई हूँ। हम अपना अखाड़ा वापस लेंगे, उसकी पूजा करेंगे और फिर यो धागा मैं अखाड़े में रखूंगी, इसलिए कि आपका, बड़ों का, लाखा का और हमारा भी जो अखाड़े से संबंध है उसको किसी की नजर ना लगे।
भाई आप सब की बातें सुनकर तो मराना छाती यूं फूल गई जाए। ताई जी, इन्हें ना फेसियल करवाना है अपना चेहरा चमकाने। बेबी पैसे पे आ जा, चेहरा चमकाना है, आ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, ले बाय बाय। ये राम जी, इन लुगाइयों का मुंह ना जलवा दिया मेरे तो, नहीं तो फिर मुझे सजा भुगतनी पड़ेगी। इस तरह तो कमला ताई जी का कुछ नहीं होने वाला, मन्ने ही कुछ करना पड़ेगा, पूरे गांव में प्रचार करना होगा। लेकिन किसने बोलू? हाँ, पायल बाबी की माँ जी को। ये पकड़िए, ये आपके, ये आपके। आपकी शर्त के मुताबिक ये वो पैसा है जो कमला भाभी और पिंकी ने बैठ के आपके दुकान में पूरे एक दिन की कमाई की, और ये जो मैंने वादा किया था कि आपको दुगना मुआवजा दूंगा आपकी दुकान की, ये लीजिए। आप लीजिए, हमारी शुभकामना से कि जो नई जमीन और नई दुकान आप लोगों को दी गई है वहां पर आपका बिजनेस जो है खूब फले फूले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी और रघुवीर जी, आप लोगों का ऐसे आशीर्वाद बना रहा तो हमारा धंधा आगे भी अच्छा ही चलेगा। और वैसे भी लखा और बड़ों की वजह से हमारी दुकान तो पहले से ही मशहूर हो चुकी है। हम यो बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लखन और बड़ों ने हमारा घना ही साथ दिया से। ये सब तो ठीक से, कोमल है कहाँ? मैं यही हूँ बाबूजी। जिस काम का हमने इंतजार था वो होने जा रहा है ना, इसीलिए मैं अपनी टोली को इकट्ठा कर रही थी। देख कमाल है बड़ो, तूने इस टोली में मन्ने शामिल ना किया, ये सब काम तू अकेले करेगी। लक्की जी, यो दुकानें मामूली दुकानें ना है, यो सब तो हम साथ मिलके ही करेंगे। हमें आज्ञा दीजिए रघुवीर जी और सरपंच जी। राम राम जी। आज तो कमला भाभी और पिंकी ने घड़ी मेहनत की है, सारा खाना उन दोनों ने बनाया है। गड़ा तीखा सा, अरे मिर्ची की सब्जी बना दी के। हम दोनों कल चले जाएंगे तो यहाँ सभी कैसे संभालेंगे? वैसे मन ने भी घनी खुशी हो रही है कि मैं मुंबई जा रही हूँ वर्कशॉप के लिए। चल, इफ्तारी पैकिंग ना मैं करूँगा। और अगर आपने मेरी मदद करनी है ना लक्की जी, तो जब मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो आप इस घर को अच्छे तरह संभाल लेना। तो घबराना, मैं सब संभाल लूंगा। महाराज, आगे तो अत्यंत घना वन है और ऐसे घने वनों में हिंसक पशु पक्षी रहते हैं। कालिया को यमुना की ओर ले जा रहे कंस का अवरोध बनते हैं पक्षी राज गरुड़। तथा अनाज की समस्या के समाधान हेतु ग्वाल बालों को सहायक बना कान्हा एक बार फिर करते हैं कृषि कर्म का आरंभ। आखिर माजरा क्या है? अरे फुलवा देवी पिस्सू नगर की बहुत बड़ी जमींदारनी थी, उसके पास करोड़ों अरबों रुपए की जमीन जायदाद खेत खलिहान सब कुछ है। अरे वो देखो अपनी माँ को। देख हम आ गए हैं माँ। अरे डॉक्टर बाबू, कौन बुलाया है भाई? इन्हें मैंने बुलाया है, ये सृष्टि का इलाज करेंगे। अनुराग जी, हमें कोई टेस्ट नहीं करवाना है। मिस्टर जी पे तो भरोसा है ना, तुम घबराओ मत, डॉक्टर साहब से नहीं टेस्ट करवा लो। अनुराग जी, हम टेस्ट करवाएंगे। इलाज करेगा मेरा, हिम्मत है तेरे में? अनुराग भैया, अनुराग भैया,
पापा।